हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फाइनली आधार कार्ड की तरफ से न्यू वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट किया जा चुका है 2019 के लिए, और टाइम भी बहुत दिया गया है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, जिसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 55 है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सीधी भर्ती ही आई हुई है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या बताया गया है और अदर एलिजिबिलिटी क्या बताई गई है, सारा मैं आपको डिटेल्स में इसी वीडियो में क्लियर करूंगी। और उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस करना, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के बात करेंगे आधार कार्ड की तरफ से आई हुई सीधी भर्ती के बारे में। और टेलीग्राम ग्रुप को हमारे जरूर ज्वाइन करना। कई बार होता है यूट्यूब की तरफ से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाता या स्टडी मटेरियल का नोटिफिकेशन नहीं आ पाता, तो हम टेलीग्राम ग्रुप में साथ साथ में लिंक वहां पर अपडेट कर देते हैं, तो वहां पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करता है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब आधार कार्ड की रिक्रूटमेंट के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाकर हम बात करते हैं किस तरह से अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या क्या बताई गई है। बताना चाहूंगी 2019 के लिए न्यू वैकेंसीज के नई नोटिफिकेशन 10 से 12 अभी अभी आउट हुए हैं, जिसमें आपके स्टेट की वैकेंसीज अलग आई है, सेंटर की अलग। उसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं किस जॉब के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, अप्लाई किस तरह से करना है, हर एक के लिए आपको वहां पे प्रॉपरली गाइड किया गया। फिर भी कोई दिक्कत आ रही होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपको पता है आधार कार्ड की तरफ से वैकेंसीज आई है, तो इसका आपको पता होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है, ठीक है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करना भी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट देखिए अप्लाई करने के लिए है 31 दिसंबर 2019 तक, आपको ईजिली अप्लाई कर लेना है। अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है, इस बार काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई है। सैलरीज में आपकी 34,800 प्लस 5400 रुपीज़ तक आपका यहाँ पे ग्रेड पे रहेगा, ठीक है। पोस्ट की बात कर लेते हैं, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, क्लर्क, असिस्टेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, इसके अलावा भी 3 से 4 अलग अलग वैकेंसीज आउट हुई है, ठीक है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास है तब भी इलिजिबल हो, 12th पास भी इलिजिबल है, और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, जो कि अलग अलग लोकेशन वाइज आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बताती हूँ किस तरह से, ठीक है। मिनिमम आपकी एज चाहे 18 साल है, आप अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम जितनी मर्जी है। लास्ट जो एज लिमिट है वो 55 साल इन्होंने बताई है, यानी कि 18 से 55 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा जो एक्स सर्विस मैन होंगे 55 साल से अबव, ठीक है। सो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स 2019 का, यहाँ पे क्लिक करके ना आप सारी जानकारी ले सकते हैं जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आउट हुई होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे मान लो 5 पोस्ट एकदम से आ जाती है, ठीक है, उसकी एक ही वीडियो बन पाती है, तो उसको मिस ना करना, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ये स्टडी मटेरियल का लिंक है, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड वाली वैकेंसी के लिए ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन क्लिक हेयर पे आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, नोटिफिकेशन पे क्लिक हेयर पे जैसे आप जाएंगे, ये देखिए ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। अलग अलग लोकेशन वाइज यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, किसी के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर है, किसी के लिए क्या है, किसी के लिए क्या है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना, फिर अप्लाई करना। वीडियो को करना लाइक शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।